हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज वापस है सैटरडे और सैटरडे संडे है हॉलीडेज, तो आज हम लोग वापस निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो आज जो है हम लोगों ने बुक किया है विला, और हम लोग को एक्चुअली वहाँ पे पहुँचना था 1 बजे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 12 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रेवलिंग है। और विला पे पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा है। और तो सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हबीबी फार्म हाउस, और यहां से हम लोग करते हैं एंट्री अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं। कंटिन्यू 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग यहां पे पहुंचे हैं, तो आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं, अंदर का व्यू कैसा है। बाइक सारी यहां पे खड़ी हो चुकी हैं, और ये है हबीबी फार्म हाउस। यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस हैं, ये देखिए। लेकिन एक्चुअली अगर मैं बात करूँ हबीबी फार्म हाउस की, तो रियली ज़बरदस्त है बाहर से व्यू। अब अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है। ओ, ये रहा यहाँ अंदर का व्यू। ये छोटा सा एक स्विमिंग पूल है जो काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए 2 रूम है, और ऊपर टेरिस पे भी जगह है, तो टेरिस पे शाम को मतलब एक ठंडे मौसम में वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी धूप है यहाँ पे। और ये देखिए बच्चों को खेलने के लिए झूले, गाड़ी। तो ये रहा रूम, और आपको थोड़ा सा रूम का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी रूम भी बहुत अच्छा है इसमें। देखिए 2 बेड है, एक सोफ़ा कम बेड ये है, और एक बेड सेपरेट दिया हुआ है, और इधर टॉयलेट है। चुका हूँ टेरिस पे, और ये रहा छोटा सा टेरिस, और टेरिस का व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए कैरम ढक के रखा हुआ है, और ये है पानी का टाकी जो काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है ग्रास से। और ये पीछे काफ़ी बड़ा मैदान भी है, देखिए वहाँ पे क्रिकेट भी आराम से खेल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पिच बना हुआ है। और ये रहा टेरिस के ऊपर से व्यू, जो ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। देखिए छोटा सा है, लेकिन जो फार्म हाउस है छोटा सा, ये काफ़ी प्यारा बना हुआ है। देखिए स्विमिंग पूल भी है बच्चों को खेलने के लिए भी है, फिर स्लाइडिंग है। कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर पर्सन, यहाँ पे 1500 से 1700 के आसपास कुछ आ रहा है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फुल कितना यहाँ पे बजट हम लोग को आया पर पर्सन। सो गाइस, लंच करने की तैयारी हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं करने लंच। और ये जो खाना आपको दिख रहा हो, ये टोटल होममेड खाना है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, ना तो कोई होटल का है, तो काफ़ी टेस्ट। सो गाइस, रोस्टेड चिकन जो है यहाँ पे देखिए रेडी हो रहा है, और ये जो है डिमांड पे हो रहा है, क्योंकि ये जो अपना पैकेज था उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम लोग का डिमांड था कि भाई हम लोग को चाहिए, तो रोस्टेड चिकन भी इनके थ्रू जो है वो अपना प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, और अगर देखा जाए तो काफ़ी सफाई से यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अगर मैं यहाँ फार्म हाउस की बात करूँ, तो फार्म हाउस में जो भी चीज़ है, मतलब हाइजीन का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया हुआ है। सो गाइज,
आप लोग रात का व्यू देख रहे हैं, रात जो नाइट में लाइटिंग चालू होने के बाद जो व्यू आ रहा ना ज़बरदस्त है। आपको मैंने स्विमिंग पूल का भी व्यू दिखाया। और गाइज एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि यहाँ पे अल्कोहल नॉट अलाउ है, तो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम और नंबर लोकेशन में डाल देता हूँ। सो गाइज अभी आ चुका है डिनर, और डिनर में है बिरयानी। तो बिरयानी का टेस्ट कैसा है वो आपको अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो बिरयानी है ये है चिकन टिक्का बिरयानी। और हमारे जुनेद भाई देखिए सर्व करते हुए, तो और सारे लोग का प्लेट ऑलमोस्ट लग चुका है। और देखिए यहाँ पे सलाद, ये देखिए कचुंबर, और कचुंबर का भी ज़बरदस्त हुआ। और ये हमारे इकबाल भाई, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे जुनैद भाई, और जुनैद भाई से जानता हूँ, जानना चाहूँगा कि कैसा टेस्ट है। तो जुनैद भाई बताइए कैसा टेस्ट है। तो मतलब यहाँ का जो हम लोगों ने लंच किया वो भी ज़बरदस्त था, उसके बाद जो शाम का नाश्ता था वो भी ज़बरदस्त था, और अभी जो डिनर हम लोग कर रहे हैं बिरयानी, ये बिरयानी रियली टेस्टी है, क्योंकि जुनैद भाई ने अप्रूव्ड कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जुनैद भाई एवरी टाइम बिरयानी का मतलब मज़ा लेते रहते हैं। सो गाइस फाइनली अभी तक ये लोग सोए हुए हैं, और अभी अगर मैं बात करूँ तो टाइम की, तो अभी बज चुके हैं 10:30। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी देर तक ये आज सो गए हैं, क्योंकि हम लोग करीब 2:30 से 3 बजे तक हम लोग मतलब जग रहे थे, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हम लोग सो रहे हैं। तो गाइज अभी नाश्ता का जो प्रिपरेशन होगा तो चल के नाश्ता करेंगे, अभी फ़िलहाल में तो वेट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हर चीज़ें एकदम क्लीन है, नीट और क्लीन है, तो यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ आप विज़िट ज़रूर करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इनका नाम और नंबर। हम लोग बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए, और अभी देख रहे हैं ये है इडली, और ये मेंदू वड़ा, और ये चटनी सांभर के साथ में ज़बरदस्त। सो गाइज ये रहा उनो गेम, और उनो गेम में साबिस्ता और फयाज भाई में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, काफ़ी टाइम से इनका चल रहा है कंपटीशन, तो देखिए कब तक। सो गाइज अभी हो चुका है लंच का टाइमिंग, और पुलाव देख रहे होंगे सबके प्लेट में नज़र आ रहा है, और पुलाव काफ़ी टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग लंच करके उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो आगे देखते हैं, अगर शायद ढाबा का प्लान होता है तो वहाँ का भी व्यू आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा क्या था। सो गाइज फाइनली आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज का वीडियो जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा बनाया मैंने। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। और गाइज एक चीज़ मैं यहाँ का बोलूँगा, जो ये फार्म हाउस है हबीबी फार्म हाउस, यहाँ के जो स्टाफ की बात करूँ तो ये बहुत ही फ्रेंडली है, काफ़ी फ्रेंडली है। और यहाँ का फूड की बात करूँ तो एकदम घर का बना हुआ खाना मतलब ये अपने को ऑफ़र करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ का जो मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं तो 10 में 10 की बात करूँगा, वैसे 5 to 5 होता है, पर मैं 10 to 10 बात करूँगा, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ का फीलिंग था मेरा। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए, और आप देख रहे होंगे यहाँ का जो अंदर का व्यू आपको दिखा होगा, रियली मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त है। आप बोलेंगे बार बार ज़बरदस्त बोल रहा है, तो रियली मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और आप लोग एक बार विज़िट करिए, और आप आके खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करिए कि आप लोग को कैसा लगा ये। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद। तो क्यों करते हो, टेंशन मत।